क्षेत्र में प्रदेश और देश का नाम शीर्ष पर पहुंचा दिया है। हृदयेश्वर सिंह भाटी को दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। महज 9 साल की उम्र में गोलाकार शतरंज का आविष्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस बाल वैज्ञानिक के नाम 7 आविष्कार और 3 पेटेंट्स हैं। ये बाल वैज्ञानिक का लिटिल स्टीफन हॉकिंग्स के नाम से मशहूर है। व्हील चेयर पर बैठे ये हैं जयपुर के 17 साल के बाल वैज्ञानिक हृदयेश्वर सिंह भाटी। चेहरे पर अति आत्मविश्वास और आंखों में कुछ कर दिखाने का सपना। हृदयेश्वर सिंह भाटी को जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस बाल वैज्ञानिक ने शतरंज वेरियंट के आविष्कारों में हिंदुस्तान को शीर्ष पर पहुंचाया है। दिव्यांगता को हृदयेश्वर ने कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि अपने आविष्कार से दुनिया को चौंका दिया। शतरंज के शौक से शुरू हुई ये कहानी जब हृदयेश्वर के लिए जुनून बन गई तो उन्होंने गोलाकार शतरंज का आविष्कार कर 2 खिलाड़ियों की बाध्यता ही खत्म कर दी। अपने बेटे की उपलब्धि पर माँ आज भी गर्व करती है। बहुत ही गर्व की बात है कि आज इस बच्चे ने इस उम्र में ये अवार्ड्स लिए हैं और आज हम इसके नाम से पहचाने जाते हैं कि हृदयेश्वर के हम मदर फादर हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। हृदयेश्वर सिंह भाटी के नाम 7 आविष्कार और 3 पेटेंट हैं। बाल वैज्ञानिक हृदयेश्वर सिंह भाटी भले ही व्हील चेयर पर हैं, लेकिन उनकी खोज हजारों व्हील चेयर पर बैठे लोगों की मदद कर रही है। उनके डिजास्टर लेस वर्ल्ड प्रोजेक्ट को UNO ने भी सराहा है। हृदयेश्वर सिंह भाटी ने सिर्फ 9 साल की उम्र में गोलाकार शतरंज का आविष्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी वजह से वो देश के सबसे कम उम्र के पेटेंट धारक और यंगेस्ट डिफरेंटली एबल्ड पेटेंट होल्डर ऑफ द वर्ल्ड बन गए। लिटिल स्टीफन हॉकिंस के नाम से मशहूर हृदयेश्वर सिंह भाटी के आविष्कारों को अब उन्हीं के नामों से जाना जाता है। उन 3 आविष्कारों का नाम है 6 खिलाड़ियों की गोलाकार शतरंज, 12 खिलाड़ियों की गोलाकार शतरंज और 60 खिलाड़ियों की गोलाकार शतरंज। इससे पहले भारत सरकार ने अति उत्कृष्ट आविष्कारक बालक 2019 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया। कभी गोलाकार शतरंज के आविष्कारों में कभी जापान का दबदबा था और मैंने चेस इन्वेंट करके इंडिया को जापान के आगे चेस इन्वेंशन वेरिएंट्स में आगे भेजा है। हृदयेश्वर ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, लेकिन उनकी वैज्ञानिक सोच उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। हृदयेश्वर कहते हैं कि अब वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम करना चाहते हैं। इस बाल वैज्ञानिक को परिवार भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। आजकल पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जो बाइनरी बेस है उसे डिकोड कर लिया है, तो इस आविष्कार से भारत सिक्योरली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हमारे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात से होती है कि मैं आज इसके नाम से जाना चाहता हूँ। जयपुर का ये बाल वैज्ञानिक उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो दिव्यांगता को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं और कहते हैं कि मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कुदरत भी हौसलों को सलाम करती है। हृदयेश्वर ने अपनी इस उपलब्धि से प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, जिस पर हिंदुस्तान आज फख्र करता है। मनोहर बिश्नोई।